नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ पूरे देश में चल रहे हैं, वही कांग्रेस की विरोध प्रदर्शन का समर्थन करते हुए नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने हल्द्वानी में भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और वही राज्यपाल को ज्ञापन भी भेजा है। लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ के तहत पूरे देश में चल रहे हैं कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन का समर्थन करते हुए नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने हल्द्वानी स्थित बुद्ध पार्क में केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सांकेतिक धरना देकर सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा। यहाँ राजस्थान में राजनीतिक उठापटक की अनिश्चितता वाली स्थिति को देखते हुए तिकोनिया स्थित बुद्ध पार्क में सांकेतिक धरना देते हुए इंदिरा हृदयेश ने कहा कि वर्तमान में देश में फैली कोरोना महामारी से अति शीघ्र निपटने के लिए विधेयक लाने की जरूरत है। इसके साथ ही राजस्थान सरकार द्वारा आपातकाल के समय में राजस्थान सरकार द्वारा जो सदन आहूति करने का निर्णय लिया गया वह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देश की व्यवस्था संविधान के तहत चलनी चाहिए, ना कि किसी एक पार्टी के कहने पर। उन्होंने कहा कि पूरे देश में लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ के तहत कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सभी राज्य भवनों में राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया जा रहा है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा, आज जिस तरह से मोदी सरकार संविधान का गला घोटकर राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त कर रही है, यहाँ ये बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे महानुभावों पर यदि उंगली उठाई जाती है तो ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक गलियारों में अनिश्चितता सदैव बनी रहती है, लेकिन देश संविधान से चलता है, ना किसी पार्टी विशेष की गाइडलाइन से। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। ज्ञापन देने का क्या कारण था? देखिए, पूरे देश भर में, केवल उत्तराखंड में नहीं, पूरे देश भर में राज्यपाल को राजभवन में ज्ञापन सौंपा जा रहा है कि संविधान के अनुसार देश की व्यवस्था चलनी चाहिए, किसी पार्टी के अनुसार नहीं चलनी चाहिए, लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए। ये सारे देश भर के, कन्याकुमारी से लेकर उत्तराखंड तक, सब जगह आज ये दिया जा रहा है। और यही जिलाधिकारी के माध्यम से हमने भी राज्यपाल को भेजा है और कहा संवैधानिक उसकी रक्षा करिए, पार्टी के आधार पर देश नहीं चलेगा, संविधान के आधार पर चलेगा, यही हमकी हमारी मांग है। जी, जैसा कि बंशीधर भगत जी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस चारधाम यात्रा को रोकने के लिए प्रयास कर रही है, अनेक तरह से चारधाम यात्रा पर। वैसे तो इस समय चारधाम का कोई विषय नहीं है, अब मुझे नहीं पता, वो बताएंगे कौन रोक रहा है, मेरी जानकारी नहीं है। चारधाम तो हमारे इष्ट देवताओं के मंदिर हैं, हम स्वयं वहाँ जा चुके हैं, सब जा रहे हैं। बंशीधर जी ये चिंता न करें, वो केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं चारधाम, वो कांग्रेस के लोगों के लिए भी चारधाम है। वो चारधाम की व्यवस्था सुरक्षित करें, रजिस्ट्रेशन कराएं, भेजें, कांग्रेस की ओर से कोई आपत्ति नहीं। जी, एक सवाल अंत में, कोविड की बढ़ती हुई महामारी को देखते हुए राज्य सरकार से कुछ कहना चाहेंगी कि राज्य सरकार किस तरीके से? देखिए, कोविड की व्यवस्था तो बहुत ख़राब है। आज मैंने कमिश्नर को फ़ोन किया था, या एसटीएच की व्यवस्था के लिए, अगर कोई मर जाता है तो उसे अपने डेड बॉडी को लेने के लिए चार चार दिन इंतज़ार करना पड़ता है। मैंने उन्हें नाम से बताया कि ये व्यक्ति मेरे पास बैठे हैं, इनके नाना मर गए हैं और एसटीएच में चले गए हैं, इनकी जांच रिपोर्ट नहीं आई है, तो चार दिन तक डेड बॉडी रखी रहेगी, इस व्यवस्था को सुधारिए। चार चार दिन तक डेड बॉडी नहीं मिलती है। मैंने प्रिंसिपल से भी कहा, अपने घर के बारे में विचारो, कोई मर जाए और डेड बॉडी ना मिले तो क्या हाल होगा घर वालों का। तो इसलिए व्यवस्था बहुत ख़राब है, इस व्यवस्था को स्वयं मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था ख़राब है, कमिश्नर देखेंगे। इसीलिए मैंने कमिश्नर से फ़ोन किया कि यहाँ ऐसी मशीन नहीं जो तत्काल घंटे दो घंटे में रिजल्ट दे सके, उन्होंने कहा वो हम लगवाएंगे।